क्या हाल है, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो हैप्पी होली टू एवरीवन एंड होप यू आर सेलिब्रेटिंग सेफली एंड इन अ वेरी वाइल्ड वे। वाइल्ड वे तो कहूँगा ही, क्योंकि सब लोग बहुत अजीबोगरीब तरीके से मनाते हैं लोग, तो इसलिए कह रहा हूँ वाइल्ड वे। तो बाकी आप सबके क्या हाल है, और बाकी मैं अगर कहूँ तो इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट यू नो अपलोडिंग अ ब्लॉग ऑन कंसिस्टेंट वे, क्योंकि दो दिन कुछ किया नहीं, ज़्यादा थकान रही थी, फटीग आज भी है, तो आज ही कुछ मन नहीं कर रहा कहीं भी जाने का और कुछ भी करने का, इसलिए होली बना नहीं रहा हूँ। बाकी लोग बना रहे हैं, बड़े गंदी तरीके से बना रहे हैं, रंग लगाए मुँह पे, किसी का चेहरा पता ही नहीं लग रहा कौन क्या है, किधर से आया है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और अभी टॉफ़ी खा रहा हूँ, और ये वाली टॉफ़ी ज़रूर खाना, एल्पेनलीबे का जस्ट जेली, इट्स टोटली ग्रेट टॉफ़ी। मतलब यू कैन से इट एज इट इट इज़ अ टॉफ़ी, बट एज फॉर मी आई विल से कि इट्स अ जेली। तो बहुत ही अच्छा है, ज़रूर खाना। और बाकी आप लोग बताओ कैसा सेलिब्रेशन किया आपने होली में, तो ज़रूर बताना कमेंट्स पे। तो देखते हैं आज क्या करते हैं पूरे दिन में, तो चलो कंटिन्यू करते हैं और भी बढ़िया बढ़िया तरीके का खाना खाते हैं। मम्मी ने बहुत बढ़िया बनाया खाना। आज का सेलिब्रेशन इतना ही था, और कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, और करते भी क्या, वैसे भी पूरा दिन निकल ही गया था। और जब आपसे बात ही की थी तो ऑलमोस्ट 2 या 2:30 बज रहे थे, तो ऑलमोस्ट पूरा दिन ही निकल चुका था। तो आई होप जो भी मतलब खाना जो मम्मी ने बनाया होगा बनाया था, तो वो आपको पसंद आया होगा। होगा क्या मतलब आया होगा, और आया होगा भी क्या, आएगा ही, ये सही बात है। तो भाई साहब अभी कल से वापस लग जाना है काम पे, एंड बहुत टाइम से मतलब व्लॉग्स अच्छे नहीं बना पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है यार। मतलब इतने काम में बिजी हैं हम लोग, और मतलब हमारा मतलब एम ही की तरफ है, आप जानते ही हो क्या है, तो उसके वजह से पूरा सब कुछ माइंड उधर ही डाइवर्टेड है, एंड आई एम डूइंग नथिंग फॉर माई सेल्फ। बट या आई हैव टू यू नो कम बैक एंड आई हैव टू डू समथिंग, एंड इट्स नॉट जस्ट दैट कि यू नो इट वाज माय द थिंग विच डाइवर्टेड माय माइंड इनफ, इट वाज माय स्ट्रेस रिलीविंग काइंड ऑफ वर्क, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि काम उतना ज़्यादा रहता भी था, बट वो स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हटा ही देता था, तो क्या कर सकते हैं यार। बट
काम भी ज़्यादा ज़रूरी है एंड बस चाहता वही हूँ कि बस काम हो जाए और मतलब दोनों तरफ का ही हो जाए, अपना भी और ऑफिस का भी। तो बस यही कामना है मेरी कि सारा काम हो जाए एंड मतलब सब कुछ बैलेंस पे रहे, कि बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलते हैं यार एंड अभी जाता हूँ सोने, सुबह जल्दी उठना है। तो चलो आज ब्लॉग को मैं इतना ही रखता हूँ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, सब्सक्राइब के बटन जरूर दबा देना जो कि इधर है, एंड मेक श्योर दैट यू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल टू, ताकि आप मेरी वीडियो टाइम पे देख पाओ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके दिमाग में सस्पेंस बना रहे एंड फॉर एनी सजेशन और वेल विशेज वट एवर यू वॉन्ट टू से प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन विचेज डाउन बिलो। तो ज़रूर बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा। ये सारा मच्छर, जाता हूँ यार सो नहीं जाता हूँ, मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं। और बाकी आप लोग कैसे बताना कि हाउ यू सेलिब्रेटेड दिस ऑस्पिशियस फेस्टिवल। सो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इट्स ऑल योर्स, सो व्हाई डोंट यू जस्ट फिल विद द कमेंट्स एंड ऑल। तो चलो आज के लिए बस इतना ही एंड अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट टाइम।